हेलो गाइस, रूपाली फूड कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कढ़ाई में सूजी से हेल्दी टोस्ट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी तरीके से इसे बनाया है। इन्हें आप बनाकर महीने भर स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। आप इन्हें चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम सबसे पहले एक जार में 1.5 कप सूजी डालेंगे। और उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप यहाँ पे बारीक सूजी ले सकते हैं, उसे आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा ग्राइंड हो गया है, तो अब इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे। और यहाँ पे हम 1 कप पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सूजी में हमारा पानी 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है और ये हमारा परफेक्ट डो तैयार है। तो इसे हम 1 घंटे के लिए ढक कर के रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद हमारा सूजी फूल गई है अच्छे से। अब ये ब्रेड बनाने लायक इसका डो तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून ड्राई एक्टिव यीस्ट डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि हमारा यीस्ट एक्टिव हो जाए। तो हमारा एक्टिव कुछ इस तरह से यीस्ट एक्टिव हो गया है। अब हम यहाँ सूजी वाले डो लेंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम ईस्ट वाला घोल डाल देंगे और इसको हाथ से अच्छे से हम नीड करेंगे। तो ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। तो इसका बैटर हम ऐसा ही रखेंगे तभी हमारा ब्रेड सॉफ्ट बनेगा। तो इसे हम ढक करके 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये फर्मेंट हो जाए। तो ये 1 घंटे बाद देखिए हमारा डो कुछ इस तरह का हो गया है। ये कितना जाली आया है इसमें। तो ऐसा हो जाए तो हमारा डो यानी कि परफेक्ट रेडी है। अब इसको हम किचन प्लेटफॉर्म पे ऑयल लगा करके अच्छे से नीड करेंगे। इसे हमें 10 मिनट कम से कम अच्छे से नीड करना है। स्क्रैच एंड फोल्ड मेथड से हमें आगे से पीछे ले जाते हुए इसे नीड करना है। ये थोड़ा मैसी सा होता है लेकिन ये हमें करना ही होता है क्योंकि तभी हमारा ब्रेड अच्छा बनता है। तो हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से और नीड करेंगे। तो ये हमारा डो कुछ इस तरह का तैयार हो गया है। हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला होना चाहिए तभी हमारा ब्रेड सॉफ्ट बनता है। तो अब हमारा डो रेडी है। इसमें हमारा 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लग गया है टोटल। और अब हमारा डो रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। अब एकदम चिपक नहीं रहा है ये। तो अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। और इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो हमें इसे बराबर शेप में पीसेस कट कर लेंगे। अब हम एक पार्ट लेकर के इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसको फैला करके हम पतला कर लेंगे। इसको हम अच्छे से फैलाएंगे, हाथ से ही हमें हल्के हाथ से फैलाना है इसको। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इसे हम टाइटली फोल्ड करेंगे ताकि ये बेक के होते टाइम पे खुले ना, वरना हमारे
ब्रेड का सेप ख़राब हो जाता है, तो हम इसके किनारे पिंच करके अच्छे से दबा लेंगे और दोनों साइड से हम इसको अच्छे से पिंच करके चिपका देंगे। तो ये हमारा एक लोफ तैयार हो गया है, बहुत सॉफ्ट होता है ये, तो इसको आराम से उठाएं। यहाँ पे हम बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम अपने डो को डाल देंगे और इसके शेप को थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो ऐसे ही हम अपना सेकेंड लोफ भी तैयार कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम इसे भी तैयार करेंगे। तो यहाँ हमारा सेकेंड लोफ भी तैयार हो गया है, तो इसे भी हम बेकिंग ट्रे में डाल करके इसे हम एक घंटे के लिए ढक करके गर्म जगह पे फर्मेंट होने के लिए फिर से रख देंगे। अब यहाँ पे हम अपने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेंगे कन्वेक्शन मोड पे। तो ये हमारा प्री हीट हो रहा है। अब हमारा ब्रेड लोफ अच्छे से फूल गया है, फर्मेंट हो गया है, तो अब इसे हम माइक्रोवेव में डाल देंगे बेक होने के लिए। तो माइक्रोवेव को हम 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड पर फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा ब्रेड बेक हो रहा है। तो हम इधर कढ़ाई वाला देख लेते हैं। तो हम अपने कढ़ाई को भी 10 मिनट्स के लिए हीट कर लिए थे और उसमें हम ये कढ़ाई वाला डाल देंगे और इसको हम ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 30-35 मिनट्स के लिए इसको हम बेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ओवन वाला बेक हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये हमारा ओवन वाला बेक होके तैयार हो गया है। तो अब हम इस पर ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा ब्रेड ठंडा होने के बाद सॉफ्ट हो रहे। तो अब इसे हम ढक करके 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा ऑयल ग्रीस हो गया है। अभी तो हमारा कढ़ाई वाला भी ब्रेड तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, कढ़ाई वाला ब्रेड थोड़ा सा लाइट कलर होता है बेकिंग, क्योंकि ये नीचे से बेक होता है और माइक्रोवेव में ऊपर से होता है, तो इसलिए उसमें कलर ज़्यादा आता है, इसमें थोड़ा सा लाइट कलर होता है। पर ये भी बहुत अच्छा बना है ब्रेड, टेक्सचर सेम होता है, सिर्फ कलर डिफरेंट होता है। तो ये हमारा ब्रेड ठंडा हो गया है, देखिए कितना स्पॉन्जी है, कितना सॉफ्ट ब्रेड बना हुआ है। आप इसे ऐसे ही काट करके बच्चों को ब्रेड जैम या बटर के साथ आप नाश्ते में दे सकते हैं, आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन की तरह है और जाली भी इसके बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो हम इसके ऐसे ही पीसे सारे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, सूजी के बने ब्रेड हेल्दी होते हैं और घर के बने ब्रेड की तो बात ही कुछ और होती है। तो हमने ये कढ़ाई वाला और माइक्रोवेव दोनों वाला ब्रेड हमने कट कर लिया है, तो अब इसे हम टोस्ट कर लेते हैं। तो हम इसे ओवन में डाल करके 10 मिनट्स के लिए रखेंगे और इसे हम पलट पलट करके थोड़ी थोड़ी देर में टोस्ट कर लेंगे। तो हम इसे 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। तो हम स्टार्ट कर दिए हैं। अब इधर हम कढ़ाई वाला भी ऐसे ही रख लेंगे और इसको भी हम 10-15 मिनट्स के लिए रखेंगे और फिर इसको हम पलट करके एक बार शेक लेंगे। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक के 10 मिनट्स के लिए हम इसे टोस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम उसे पलट के 10 मिनट्स के लिए कर लेंगे। तो ये टोस्ट रेडी है। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और इधर हमारा माइक्रोवेव वाला भी टोस्ट रेडी हो गया है। ये भी बहुत अच्छा बना है। आप अपने हिसाब से कलर थोड़ा डार्क या लाइट रख सकते हैं, आपको जैसा कलर पसंद हो आप उतना टोस्ट कर लें। ये बहुत क्रंची और बहुत क्रिस्पी है। आप इसे चाय के साथ
इंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया टोस्ट बना है, बहुत क्रिस्पी है, ये बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है, टेस्ट इसका बिल्कुल मार्केट की तरह है और हेल्दी है, सूजी का बना हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।